चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा और आर की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहली बात कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जनरली हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब इसमें छोटा सा एक सर्कल हम बनाते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये सेंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है किसी पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी है वी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ये सेंटर है, पोजीशन वेक्टर आर का डायरेक्शन ये होगा, ये आर का डायरेक्शन होगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं आर को, ठीक है। ओमेगा अपवर्ड होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ओमेगा की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। ये वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन है, ये वेक्टर वी है, ये वेक्टर आर है, ठीक है। ओमेगा को अगर यहाँ पर जिस पॉइंट पे पार्टिकल है वहाँ ले आते हैं और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ओमेगा इधर, तो वी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अब वेलोसिटी भी वेक्टर, आर भी पोजीशन वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे या वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे? तो सबसे पहली बात, ओमेगा क्रॉस और लिखने से, ओमेगा क्रॉस और करने से आपको क्या मिल रहा है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, थंब की डायरेक्शन। लेकिन अगर आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ओमेगा क्रॉस आर इज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ठीक नहीं है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब v इज इक्वल टू अगर ओमेगा क्रॉस आर है तो, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूं? v इज इक्वल टू आई जे के मैट्रिक्स फॉर्म में, ये कितना हो जाएगा? पहला ओमेगा की वैल्यू 3 - 4 + 1, ठीक है, 5 - 6 + 6, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? आई ब्रैकेट में -24 + 6 माइनस जे कैप ब्रैकेट में 18 - 5 फिर प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा? -18 + 20, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, -18 i कैप, ये कुछ -13 j कैप + 2 k कैप, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। अब इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है? बी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 18 i कैप + 3 j कैप, और इसको माइनस साइन के अकॉर्डिंग, बस साइन का कन्वेंशन का डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही है, करेक्ट है ना। तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।